क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी कोई भी डिज़ायर यूनिवर्स को कमांड करें और वो सच में हमारी लाइफ में आ जाए? सुनने में और सोचने में ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हमारे इस क्वेश्चन, जो ये डाउट मैंने अभी पूछा, इसके बारे में नेवल गोडार्ड कहते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और इनफैक्ट यही होता आ रहा है। आज किसी भी इंसान की लाइफ में या उसके पास जो कुछ भी है या उसकी जैसी भी लाइफ है, वो सब के लिए उसने खुद ही इस यूनिवर्स को कमांड किया है और इसीलिए ही उसके पास आई है। और यही यूनिवर्सल लॉ है, जिसमें आपको वही परोसा जाता है जो आप ऑर्डर करते हो, जो आप मांगते हो। निविल गोडार्ड ये भी कहते हैं कि कोई एक चीज़ भी ऐसी किसी इंसान की लाइफ में आ ही नहीं सकती जो उसने कभी डिज़ायर ना की हो, उसने कभी कमांड ना किया हो यूनिवर्स को। ऐसी कोई चीज़ कभी किसी इंसान की लाइफ में नहीं आ सकती। और वो ये कहते हैं कि अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होता है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं इस चीज़ को ट्राई करने के लिए। वो चैलेंज करते हैं कि आप इसे ट्राई कीजिए, और जब आप ट्राई करेंगे, आप खुद ही इस चीज़ के आई विटनेस होंगे। आप खुद ये चीज़ फील करेंगे, आपको खुद ही इस चीज़ के सबूत अपनी लाइफ में मिलते जाएंगे। कि ये एक लॉ पे काम करता है और इसके प्रिंसिपल को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये चेंजलेस प्रोसेस, चेंजलेस प्रिंसिपल है और सदियों से ये ऐसे ही काम करता आ रहा है। आज भी करता है और फ्यूचर में भी ये इसी तरीके से काम करता रहेगा। आज हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं, वो हम अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। और जब हम इसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर होंगे, तभी तो हम इसको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आज से ही इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि कमांड करना है तो आप अपनी कोई भी डिज़ायर को बोलने लगो और उसको बार 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 बार, बार रिपीट करते रहो। ये ऐसे काम नहीं करता है। इसके लिए आपको जो कमांड है, वो सिर्फ वर्ड से, शब्दों से नहीं बोलनी है, बल्कि इसको अपनी कॉन्शियसनेस में भी एक्सेप्ट करना है। मतलब अपने चेतन मन में भी उस डिज़ायर को एक्सेप्ट करना है, तभी ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बेगर को, एक भिखारी है जिसको आज बोला जाता है कि तुम ये चीज़ को ट्राई करो, तो वो ये बोलने लगता है कि आज मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। और इसको रिपीट करता है वो बार बार, कम से कम दिन में 50 से 60 बार वो इस स्टेटमेंट को रिपीट करता है कि आज मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो शब्दों में तो बोल रहा है, रिपीट भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में ये चल रहा है कि मैं तो भिखारी हूँ, मुझे दिन का 10 लाख रुपए कैसे मिल सकता है? मुझे तो एक दिन में 500 रुपए भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, 10 लाख तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, वो भी एक दिन में, भूल जाओ। वो मन में ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि उसको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। वो डिजर्व करता है 10 लाख रुपए एक दिन में पाने के लिए। और वो इस लॉ के बारे में भी सोचता है कि अगर ऐसा करने से, इस लॉ से ही पूरी दुनिया बदल जाती तो मैं भिखारी थोड़ी होता, मैं भी कहीं अच्छे अच्छे स्टेटस की लाइफ जी रहा होता, मैं क्यों भीख मांग रहा होता? ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है। इस तरीके की स्टेटमेंट बोले जा रहा है अपने माइंड में। तो शब्दों से तो उसने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन मन में वो ये सोच रहा है कि वो ये 10 लाख रुपए के लिए डिजर्व ही नहीं करता, तो उसको ये कभी मिलेंगे भी नहीं। उसके लिए ये लॉ बिल्कुल काम नहीं करेगा और उसकी ये डिज़ायर कभी पूरी नहीं होगी। हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी डिज़ायर सिर्फ शब्दों से नहीं बोलनी है, सिर्फ शब्दों से कमांड नहीं देना है यूनिवर्स को, बल्कि अपने कॉन्शियस मन से, अपने चेतन मन से भी यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर को कमांड करना है। मतलब कि जब आप कोई डिज़ायर बोलते हो, तो आपके कॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए,
कॉन्ट्रास्ट में नहीं आना चाहिए, और जो इस लॉ को, इसकी फंक्शनिंग को, इसकी वर्किंग को अच्छे से समझ लेते हैं, वो यूनिवर्स में अपनी हर डिजायर को क्लेम करके अपनी लाइफ को बंजर उजाड़ भूमि से एक हरे भरे सुंदर से बगान में क्रिएट कर देते हैं। उनकी लाइफ खुशहाल हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। तो आप भी इसके फंडामेंटल्स को समझिए और फिर इसे अपनी लाइफ में यूज़ करिए।